खबर सीतापुर से आपको बताएंगे। सीतापुर में पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार। थाना कोतवाली देहात की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत वहद ग्राम पगरोई नहर बाग के पास से थाना सदरपुर जनपद सीतापुर में वांछित 25,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त उदय राज पुत्र बुधई निवासी ग्राम ड्योडेही थाना तबौर जनपद सीतापुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, दो अदद जिंदा कारतूस व दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक अदद बिना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल बरामद हुई। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर एवं अभ्यस्त किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध चोरी नकब जनी जैसे कई अभियोग पंजीकृत है। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। आइए देखते हैं सुनील आनंद की यह खास रिपोर्ट। थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत ये हाईवे के निकट आज पुलिस की तथा एक 25,000 रुपए के इनामी बदमाश की मुठभेड़ हुई है। पुलिस के द्वारा यहाँ पर चेकिंग लगाई गई थी। रात के समय में इस क्षेत्र में काफ़ी सारी नकबजनी व चोरी घटनाएं हो रही थी। उसी के क्रम में अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें इसको जब रुकने के लिए कहा गया तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। फायर की जवाबी या फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई तो उसमें इसके पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए इस अपराधी को अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। मौके से एक बाइक जो चोरी की प्रतीत हो रही है तथा साथ में अवैध असलाह एक और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दो खोखे बरामद हुए हैं। इस अपराधी का नाम उदय राज है, ये थाना तंबौर का रहने वाला है तथा नकबजनी के मामले में ये वांटेड चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम पूर्व से घोषित था। इसके अन्य साथियों की बारे में इससे पूछताछ की जा रही है। मौके पर कॉम्बिंग की जा रही है। SOG की टीम तथा थाना कोतवाली देहात के द्वारा इसमें आगे विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। धन्यवाद।